हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम चंद्रा सिंह। देखिए, अभी मैंने ये गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में एक बात जरूर देखी आप लोगों में। सब लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हमारा प्यार ला दो। मैं कमेंट पढ़ रही हूँ कि इसका सत्यानाश कर दो, ये कर दो, लेकिन कोई भी आगे बढ़ के उस चीज़ की पूजा कराने में सक्षम नहीं है। मैं मंत्र जाप करके पूजा करके डाल रही हूँ, अच्छी बात है, विश कर रही हूँ, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, जब तक हम खुद से अफर्ट नहीं डालेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे कोई चीज़ों के लिए, बैठे बिठाए हमारे हाथ में कोई चीज़ें आएंगी नहीं। जादू नहीं चल रहा है इधर। आपके ऊपर बहुत कर्जा है, कोर्ट कचहरी का केस है, आपका प्यार आपसे रूठ गया, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं। उसके लिए आपको या तो शक्तियाँ लीजिए या कुछ पूजा करवाइए, तब जाके चीज़ें होंगी। ब्लेसिंग करने से तो होंगी, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए अफर्ट डालना पड़ता है। यहाँ लोग सारी ये सब चीज़ों को पाने के लिए कितने लोग क्या क्या कर बैठते हैं, प्यार पाने के लिए लोग जान दे देते, लेकिन यहाँ मैंने देखा है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बाकी कुछ नहीं। मैंने इतना अच्छा लूना चमारी का बताया शक्ति का, लेकिन उसको किसी को लेना नहीं है, ऐसी बात है, सिर्फ मुझे परेशान करना है। तो मेरे को, मैं परेशान नहीं होती, मैं तो माँ हूँ, मैं माँ होने के नाते आप लोगों को जो ब्लेसिंग दे रही हूँ दे रही हूँ, लेकिन आप लोग उस ब्लेसिंग के भरोसे बैठे बैठे रहोगे ना तो देख लेना, जिस चीज़ के लिए आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो चीज़ कब की आपके पास से चली जाएगी, क्योंकि भगवान भी देखता है कि कौन सी चीज़ किसके लायक की है। आप लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहना सीखो, खुद के ऊपर कभी भी डिपेंड रह के काम करना सीखो। हम लोग भी आप लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं ना, मैंने यहाँ पे कम से कम पूरे 9 दिनों में 11 लाख का जप किया है। इतने बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तो भी उस चीज़ के लिए मैं यात्रा पे जाती हूँ, मंदिर वंदिर भटकती हूँ बगैर चप्पल के, काम करती हूँ। जब हमें कोई मंजिल पानी होती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को कैसा, कितने लोगों को आदत है बैठे बिठाए मिल रहा है, तो चलो ठीक है, ऐसे नहीं होता है। अब जैसे हमने कितने लोगों का काम किया, लॉटरी का, सबका भी, लेकिन उन लोग में भी कैसा होता है, पेशेंस नहीं है, सबको अपने अपने कर रहे हैं, सबको चीज़ें टाइम पे चाहिए, सबके लिए बारिश है, मेरे लिए बारिश नहीं, मैं तो ऊपर से उतरी हूँ, भगवान नहीं, मैं तो भगवान बन गई हूँ, है ना, मेरे लिए कोई चीज़ों का आईना नहीं है, मुझे कोई चीज़ों को देखना नहीं है। आज कैसा है मालूम है, अभी आज आप लोगों को 50,000-60,000 के पीछे लाखों मिल जाएंगे तो माता जी महान, माता जी एकदम अच्छी हैं, और लेकिन अगर उसके पीछे गलती से कभी कुछ ना कुछ, भगवान ना करे, कोई मिस्टेक हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो माता जी बेकार, अरे हमको क्या पता था। ऐसे तो मैं कभी कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को संभालना, मैं सबसे पहले पूजा अपने लिए करती हूँ, क्योंकि जो तांत्रिक और जो पंडित खुद का भला नहीं कर सकता, खुद के लिए अपने कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं जो भी काम करती हूँ पहले अपने लिए करती हूँ, अगर मैं अपने आप को सुख से रख सकती हूँ तो मुझे गारंटी कि मैं दूसरों को भी रख सकती हूँ। वैसे मैं आपको भी कहूँगी, मेरे दिमाग पे मत लगो, क्योंकि जो लोग मुझे बातें बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, जो मेरे दिमाग पे लगने को देखते हैं ना, मैं क्या आपको, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं जो आपके साथ करूँगी वो बहुत भयानक और बहुत खतरनाक होगा, ये याद रखो। देख रहे हो ना, 5-6 लोगों का विकेट गिर चुका है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं तो बोलना चाहती हूँ, क्यों बोलना चाहते हैं? आपने ऐसा क्या किया कि आपको लगता है कि मैं आपको बोल रही हूँ? आपने ऐसा क्या किया कि आप मेरी खबर किसको पहुँचा रहे हो कि आपको लगता है कि मैं आपको बोल रही हूँ, आप खबर पहुँचा रहे हो और आप मुझ पर गुस्सा होने को देख रहे हो? मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ उनके लिए बात करती हूँ, इस वक्त पूजा पाठ के लिए। मैं सिर्फ इस वक्त पूरा का पूरा मेरा फोकस विधानसभा के इलेक्शन पर और अपने काम पर है। अभी हमारे पास एक हाजिदा है, मुझे हाजिदा के लिए एक बहुत बड़ी बात बोलनी है कि मुझे पता चला है कोई 7-8 महीनों से ये पूजा पाठ करती है, लेकिन ये आज तक खुद का भला नहीं कर पाई है, लेकिन ये मुझे आईनी अमलेत बताती सब करती है, कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि ये जो बात करती है, रहने के लिए बैंड्रा में रहती है, लेकिन आज कई महीनों से ये नागपुर में रह रही है। मैं इनडायरेक्टली यूट्यूब के ज़रिए उसके परिवार को ये मैसेज पहुँचाऊँगी कि उसकी लड़की का नाम फरीना पटेल है, कुछ तो है, ये लोग पैसा लेने के मामले में वो बताती है कि मेरे घर वालों, पहली बात तो गुस्से में, जैसे मेरे पास स्नेहा थी और विशाखा बहने लोग थे, इन लोगों को सिर्फ पैसा मिले तो लोग पूजा करो, मेरे साथ काम करते थे। पहले चेले ऐसे जिन लोगों को मेरे पास काम करना, घूमना फिरना मिले तो मैं अच्छी हूँ, नहीं तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। अभी इनका भी यही हाल है। इनको भी जब देखो ये शक, हम माँ हम रात भर बैठ के पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं करके ऐसे बात करते हैं। इन लोगों को इनके खर्चे का पैसा देने के बाद भी ये बाहर भटक रहे हैं, बारिश में बोलेंगे हम दरगाह के बाहर बैठे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, मैं खुद इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ, लेकिन मैं कभी अपनी ईमान, अपना इमेज नहीं भूलती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँगी, मंदिर मस्जिद या कहीं भी घूमने भी जाऊँगी, तो भी मेरा हमेशा एक साड़ी का या ड्रेस का गेटअप रहता है, मैं फालतू कपड़े नहीं पहनती हूँ। हाजिता भले 60 साल के, लेकिन मैंने उसका पहले का भी देखा है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अलीबाग घूमने जा सकती है जींस पहन के, मैं आज मजबूर हूँ बोलने के लिए, लेकिन आज 7-8 महीने से वो मुझे बोलती है मैं नागपुर में हूँ, एक दरगाह के पास हूँ और मुझे मेरे घर पर जाना है माँ, और वो भी कितने, मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसे की मदद कर दो, 50,000-60,000 कर दो। मैं एक बात बता रही हूँ कि मैंने क्या तुम लोगों का ठेका लेके रखा है?
मैं अपने घर को देखूं, अपने परिवार को देखूं कि जो मेरे पास पूजा पाठ के काम पे बैठ रहा है उनको देखूं, और मुझे तो बात का वो लग रहा है कि वो कैसे परिवार है ऐसे कि उनका घर का इंसान कई महीनों से नागपुर में है और ऐसे, और मुझे तो झूठ लग रहा है कि नागपुर में, क्योंकि मैंने उसे 50 बार बोला है कि अगर नागपुर में हो तब मुझे मैसेज करो कहाँ हो, मैं आती हूँ आपको लेने के लिए, मैं चलती हूँ आपके घर पर लेके। ये कौन सा बात है? हर महीने तुम्हारा डिमांड रहता है, कभी 10,000 दो, कभी 5,000 दो, माँ मेरी प्लीज़ मदद कर दो ना, माँ मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया मदद कर दो। अरे मदद भी आदमी तब तक करता है जब तक आप उसकी लायकी के हो। हर बार मदद मुंह खोल के मांगोगे तो किसी के पास हराम के पैसे नहीं पड़े, ठीक है, मेरी भी मेहनत के पैसे। ये लोगों को कैसे आईनी अमलियत करना सबको सिखा दिया, तो ये लोग कुछ भी बता के कुछ भी सोचेंगे। तुमसे भली तो मैं हूँ, एटलीस्ट किसी से मांगती तो नहीं हूँ, अपने बल पे जीती हूँ, मेरे पास मेरे तुम लोग से अच्छी तो हूँ, कम से कम मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ, मैं चुपचाप सिर्फ अपना काम करती हूँ, अगर किसी का काम नहीं हो तो उसके पैसे वापस कर देती हूँ। सबसे बड़ा गुनाह है लोगों के सामने भीख मांगना, इंडिपेंडेंट रहना सीखो। ये कौन सा बात है कि तुम मुझे थोड़ा सा आईनी अमलियत बता दे रही हो तो मुझे प्रेशर डालो। 17,000 का काम लेके ये लोग आए थे, आज मेरे साथ 5 से 6 साल से जुड़े हैं, कम से कम उससे लाखों रुपये कमा चुके हैं। पूजे में कुछ मेरे को बोलते हैं कि मैं हम लोग आपके लिए रात भर पूजे में बैठते हैं, ये करते हैं, मेरे को तो अब तो कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पूजे में बैठती हूँ। मैंने देखा कि मैं अगर लोगों को ब्लेसिंग डाल रही हूँ, ब्लेसिंग पे लोगों ने मैसेज करना शुरू किया हो गया। मैं इतना मानती हूँ कि जब तक लोग अपना खुद का भला नहीं कर सकते दूसरों का भला कर ही नहीं सकते। मेरे अंदर दम है कि मैं अगर वशीकरण कर दूँ तो चीज़ें मेरे वश में, अगर मैं कर दूँ मेरे परिवार तक नहीं, मेरी डेली आदत है मैं अपने पूरे परिवार की बंदिश करके चलती हूँ। मैं भगवान से एक ही बात मनाती हूँ, अगर मैंने किसी के साथ कुछ पाप किया हो, कुछ गलत किया हो तो उसके कीड़े मुझे ही पड़े, मेरे परिवार को मेरे बच्चों तक कभी नहीं आए, मेरी गंदगी का असर मुझे ही देना, उन तक नहीं आना चाहिए। इसके लिए भगवान ने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट रखा है, इसलिए मैं बगैर चप्पल के महीनों महीनों तक भटकती हूँ, लेकिन किसी के सामने भीख नहीं मांगती। मैं आप सबको ही बोलूँगी, सिखाने के लिए सीखते हो, कितने लोग बोलेंगे हमको आपके पास आके ये सीखना है, ये करना है, नाचना है आंगन टेढ़ा, आप लोगों को कोई चीज़ का मतलब ही नहीं है। मैंने एक ही बात देखी है, ये सब करके कोई मतलब नहीं, और मेरे से उलझ के तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हो मैं आपके लिए एक टाइम पूजा नहीं करूँगी, लेकिन आपके लिए शक्तियाँ जो करेंगी ना वो बहुत बड़ा करेंगी। देखिए मेरे लिए फर्स्ट मेरा परिवार है, उसमें सबसे पहले भगवान, सुबह सो के उठने से लेकर रात को सोने तक मैं सबसे पहले अपने परिवार के लिए प्रे कर दूँ, क्योंकि हम जिनके लिए जीते हैं कमाते हैं खाते हैं हमारे लिए सबसे पहले वो ज़रूरी है, हमें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे मेरा परिवार है, और अगर मैं अपने परिवार के लिए चिंतित हूँ बैठी उसके बीच में अगर कोई मुझे बोलेगा ना तो वो इस दुनिया का मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी बात है। तो ये जो हरकतें हो रही है ना, ये कुछ लोग जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये बात याद रखना कि 5 अगस्त तक तुम सबका मारण क्रिया पक्का है। मैंने कर दिया है काम, मेरा काम कुछ बचा नहीं है, मैंने कर दिया, मैं YouTube के ज़रिए बात बोल रही हूँ। भीख मांगना छोड़ो, इटेम इंडिपेंडेंट बनो, खुद करके दिखाओ। भीख मांगने से आदमी तुमको एक बार देगा, दो बार देगा, तीन बार देगा, पाँचवीं बार तुमको घर पर खड़ा भी नहीं करेगा। हमारे दरवाजे पे एक एक साधु संत आते, उनका हर महीने का फिक्स हो गया है, जब देखो मुंह उठा के आ जाते हैं। हमारे एक बुड्ढी आती थी, उसको मैं हमेशा राशन भरा देती थी 2-3 हज़ार का, अब उसकी आदत हो गई। मेरे नहीं रहने पे मेरी बच्ची को आके धमकी देने लगे, अरे मेरे को राशन भरा के देख, भगा दिया। क्योंकि आदमी दिल से दे तो दान होता है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती मांग के दे ले तो वो तो दादागिरी हो गई, ये सब नहीं करने का। और ये जो हाजिरा वाला मैटर है भाई, मुझे तो झूठी लग रहा है, और अगर सच बात है तो इसी परिवार से बेकार कोई नहीं, क्योंकि मैं भले कैसी भी हूँ मेरे परिवार में मेरे बच्चे, अगर मैं 2-4 दिन भी बाहर रहूँगी तो भी मेरे बच्चे मुझे चिल्लाते घर कब आएगी, खाना कब बनाएगी, ये कब करेगी, ऐसे होता है। जो बच्चों का भी आप हमको पहली बात बच्चों में वैसे संस्कार डालने चाहिए, आप लोग वैसे संस्कार ही डालते हो और क्या करते हो मुझे नहीं पता भाई, मेरे को किसी के बीच में बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे तक बात आती है ना तो मुझे गुस्सा आता है, मेरे तक आओ मत, मेरे तक आओगे तो मैं यूट्यूब पर बोलूँगी मुँह खोल के, फिर तुम्हारी जो बेइज्जती होगी पूरे समाज के सामने होगी, झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसकी वजह से सामने वाला मुझे बोले, ऐसी बात। अगर मुझे किसी ने 50,000-60,000 की कभी इमरजेंसी मदद भी की रहेगी ना, मैं उनको बढ़ा के ही देती हूँ। यहाँ लोग सारा महीनों महीनों भर मेरे साथ बाहर जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनको हम सब देंगे वो चीज़ें नहीं रहती, लेकिन मेरे को सब बोलना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ पूजे का बात करना है कि पूजे के काम में आपको लगता है आप लोग बैठे बैठे सिर्फ वेट करने से अच्छा काम करो और चीज़ में आगे बढ़ो, ऐसी बात है। जहाँ तक लक्ष्य आपको खुद को लूना चमारी का करना है, आप करो ना, यूट्यूब पे डालो, सर्च मारो, लूना चमारी का मंत्र आएगा, करो, देखती हूँ मैं, आप करो सिद्ध तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। खाना खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन खाना को पकाने में
और उसको उसका स्वाद लेने में बहुत मेहनत लगती है भाई। पहले खेती में अनाज डालना पड़ता है, अनाज उगाना पड़ता है, उसे बोना पड़ता है। आज कलयुग की दुनिया में अभी नया सिस्टम है भाई, तो भी दुकान से जाके राशन खरीद के लाना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है बड़े चाव से, मेहनत से बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको खाया जाता है। यहाँ तो बना बनाया खाने के पीछे सब लोग एकदम टूट पड़ते हैं। इसके लिए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरे नाद में मत लगो, क्योंकि मैं एकदम शांत दिमाग से बहुत बड़ा खेल कर दूँगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस वक्त मैं जब माँ काली का जाप की हूँ, तो मेरी माँ काली ने यही कहा है, एकदम शांत स्वरूप नहीं लेके सबको बात करनी है। जब गुस्सा है तो अपना गुस्सा किसी को नहीं दिखाना है। वो गुस्सा हमें पूजे के तौर पे, जब हम पूजे के साधना में बैठते हैं, हमारा डेली का एक दो घंटा रहता है। आज मेरी पूजा पूरी हो गई, अभी आज मैं पूजे पे नहीं बैठी थी, लेकिन जब भी हम दो घंटा तीन घंटा पूजे पे बैठेंगे, तो जो जो तुम्हारे सामने जुबान खुलता है उसके नाम पे एक नींबू फेंक दो, बात खत्म। उसके बाद का काम मुझ पे छोड़, मैं क्या करूँगी देखूँगी। इतनी बड़ी बात मेरी माँ ने बोली है, अब देखो फिर क्या होता है। ये बात याद रखो, आप सामने वाले को इरिटेट करने को देखोगे ना, तो ये बात याद रखना कि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे बाजू में खड़ोगे, तुम्हारे साथ जो करेगी वो बहुत भयानक और बहुत बड़ा करेगी। ये याद रखो, ठीक है। जय माता दी।